नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्वस्तिक अगरबत्ती में। दोस्तों, आज हम फ्लोरल अगरबत्ती जस्मिन बेस में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मतलब हमारा ये ड्राई फ्लोरा अगरबत्ती जो जस्मिन सेंट में बनाया जाता है या फिर जस्मिन परफ्यूम में बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको हमारे बनाए हुए दो कंपाउंड के बारे में बताऊंगा जो अभी शायद मार्केट में नहीं आए हैं। ये कंपाउंड बहुत ही असरदार है। हम जो सेंटेड बत्ती बनाते हैं, इसमें कैसे आप ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम ऐड कर सके, इसी के ऊपर मैं ये कंपाउंड के बारे में आपको बताऊंगा, वो भी वीडियो के लास्ट में। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राई फ्लोरल अगरबत्ती या फिर फ्लोरल अगरबत्ती जस्मिन बेस में बनाने के लिए आपको जैसे आप फ्लोरल मसाला अगरबत्ती बनाते हैं उसी स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन जस्मिन बेस में या फिर जस्मिन परफ्यूम में ड्राई फ्लोरल अगरबत्ती बनाने के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान रखना चाहिए। और वो चीज क्या क्या है मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप फ्लोरल अगरबत्ती बनाते हैं या फिर नए नए बना रहे हैं तो आपको दो तीन चीज ध्यान में रखना होगा। पहला, अगर आप फ्लोरल अगरबत्ती बनाते हैं, आप जो आउटर कोट बनाएंगे, आउटर कोट मतलब जो अगरबत्ती के ऊपर में, फ्लोरल अगरबत्ती के ऊपर में जो एक कोटिंग लगा रहता है उसको हम आउटर कोट बोलते हैं, उसको ध्यान दीजिए। मतलब अगर जस्मिन का आप बनाएंगे तो वो जो आउटर कोट में आप ग्रीन कलर का कलर या फिर पिगमेंट कलर यूज कीजिए, तो जो भी कस्टमर आपके पास खरीदेगा वो अगरबत्ती को देखते ही उसको पता चल जाएगा ये वाला जस्मिन बेस में बनाया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जस्मिन बेस में अगरबत्ती ग्रीन कलर का बनाया जाता है। तो दोस्तों, आउटर लेयर कैसे बनाना है मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, आप नोट कीजिए। दोस्तों, आउटर कोट बनाने के लिए आपको T1 पाउडर 1 किलो लेना पड़ेगा। उसके बाद जस्मिन परफ्यूम, जो भी बेस में आप जस्मिन परफ्यूम यूज करते हैं या फिर जो भी जस्मिन परफ्यूम आप डिपिंग के लिए यूज करते हैं वही जस्मिन परफ्यूम आपको 50 ग्राम लेना है। परफ्यूम के बाद आपको आउटर लेयर के लिए पिगमेंट कलर 20 से 30 ग्राम तक लेना है। इन तीन चीजों को आप अच्छे से मिलाइए और ये आपका आउटर कोट का पाउडर तैयार हो गया। ग्रीन कलर का आउटर कोट जब आप बनाएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कोटिंग पाउडर है या फिर वो जो T1 पाउडर है पूरा आपका मैदे के जैसा प्लेन होना चाहिए, तो ही वो आपके जो फ्लोरा अगरबत्ती के ऊपर चिपक के रहेगा, छूटेगा नहीं। तो जब भी आप T1 यूज कीजिएगा उसको थोड़ा बारीक से छान लीजिएगा तो थोड़ा अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये था फ्लोरा अगरबत्ती बनाने का पहला स्टेप या फिर फ्लोरा अगरबत्ती का आउटर लेयर तैयार करने का फॉर्मूला। इसके बाद हम दूसरे स्टेप में जाएंगे जो है उसका प्रीमिक्स पाउडर तैयार करना, मतलब फ्लोरल अगरबत्ती का प्रीमिक्स पाउडर तैयार करना। इसके लिए आपको ब्लैक प्रीमिक्स
अच्छे वाले क्वालिटी का ब्लैक प्रीमिक्स 1 किलो लेना है। ब्लैक प्रीमिक्स के बाद आपको जॉस पाउडर 100 से 150 ग्राम एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, प्रीमिक्स पाउडर में आपका जॉस पाउडर ऑलरेडी है। अगर आपका प्रीमिक्स को थोड़ा गीला रखना चाहते हैं या फिर थोड़ा मॉइस्ट रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जोश पाउडर ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हम ऑप्शनली इसको 100 ग्राम तक ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो जस्मिन परफ्यूम आपने यूज किया है आउटर कोटिंग के लिए, इसको आप इस प्रीमिक्स में डीप के साथ मिला के, मतलब खाली अगर आप चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आए तो आप रॉ परफ्यूम डाल सकते हैं, लेकिन डीपी ऑयल के साथ डालने से आपका थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, मतलब थोड़ा आपका अगरबत्ती गीला रहेगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा परफ्यूम आपका निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से आप डीप ऑयल और परफ्यूम को मिला के 1:4 हो गया या फिर 1:3 हो गया, आपके हिसाब से जो आप यूज कर रहे हैं उसका रेशियो तो आप जानते होंगे, उसी हिसाब से उसको आप 200 ग्राम तक डाल सकते हैं डीप ऑयल और परफ्यूम के मिक्स को। आप 200 ग्राम से भी ज्यादा दे सकते हैं। आप कैसे क्वालिटी करना चाहते हैं, आपके बत्ती का परफ्यूम क्वालिटी कितना रखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप परफ्यूम डालिए। और एक जरूरी बात, जस्मिन फ्लोरा अगरबत्ती बनाने के लिए आपको जस्मिन क्रिस्टल यूज जरूर करना है। अगर जस्मिन क्रिस्टल या फिर जस्मिन पाउडर क्या है आपको पता नहीं, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, तो हमने पुराने वीडियो इसके बारे में डिटेल में डाला है, लिंक आपको बायो में दे दिया जाएगा, आप उसे जरूर चेक कीजिए। दोस्तों, जस्मिन पाउडर या फिर जस्मिन क्रिस्टल आप जो मार्केट से खरीदते हैं, जितना हो सके आप जस्मिन को क्रिस्टल फॉर्म में खरीदिए, मतलब जो आपका दाना दाना आता है जस्मिन क्रिस्टल उसे ही खरीदिए और उसको घर में कूट के आप इस दरदरा करके कूट के आप प्रीमिक्स में यूज कर सकते हैं। तो जस्मिन पाउडर या फिर जस्मिन क्रिस्टल आप 30 से 40 ग्राम तक यूज कीजिए। इसके बाद आप बर्निंग पाउडर या फिर पोटासियम नाइट्रेट 30 से 40 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। बर्निंग पाउडर कैसे यूज किया जाता है मैंने पुराने वीडियो में बताया है, उसको भी जरूर देखें। और मैं भी इस वीडियो में बताता हूं, जब भी आप पोटासियम नाइट्रेट या फिर बर्निंग पाउडर को यूज कीजिएगा उसको पानी में डाल के यूज कीजिएगा, डायरेक्ट सूखा ही प्रीमिक्स में मत डालिएगा। 5-10 मिनट लगेगा उसको डिजल्व होने के लिए पानी में। आप जो भी 30 ग्राम हो या 40 ग्राम, आप जो भी पानी आप प्रीमिक्स में डालिएगा उसमें पहले आप पोटासियम नाइट्रेट 40 ग्राम डाल दीजिएगा पानी में, वो घुलने के बाद वही पानी को आप प्रीमिक्स में यूज कीजिएगा। पोटासियम नाइट्रेट के बाद आपको आता है यारा यारा पाउडर। यारा यारा पाउडर क्या है इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो डाला है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। यारा यारा पाउडर आप इसमें 10 से 20 ग्राम तक दे सकते हैं। यारा यारा पाउडर का काम क्या है ये थोड़ा जानिए। ये जो भी आपका परफ्यूम निकलेगा जलने के बाद उसको ये बूस्ट करेगा, मतलब उसको दूर तक फैलाएगा, इसलिए यारारा पाउडर का फ्लोरा बत्ती में जरूर यूज होता है। यारारा पाउडर के बाद आप पानी आप 600 से 700 ग्राम तक दे सकते हैं। इसको देने के बाद आप अच्छे से मिलाइए। ये आपका एक
फ्लोरा अगरबत्ती का, ड्राई फ्लोरा अगरबत्ती का प्रीमिक्स तैयार हो गया। जितना हो सके इसे धूप में मत सुखाइए। धूप में सूखने से यह क्या होगा, यह कड़क हो जाएगा। तो आप इसको छांव में सुखाइए। स्टिक को निकालने के बाद आप इसको छांव में सुखाइए और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, फ्लोरा जस्मिन अगरबत्ती बनाने के लिए, ड्राई फ्लोरा जस्मिन अगरबत्ती बनाने के लिए अभी मार्केट में एक जस्मिन पेस्ट बोल के, एक जैसे सैंडल पेस्ट वैसे ही एक जस्मिन पेस्ट आ रहा है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, ये तो था ड्राई फ्लोरा जस्मिन अगरबत्ती बनाने का फॉर्मूला। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैं जो इन दोनों चीजों के बारे में बोला था, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। दोस्तों, ये अभी हमने एक सिंथेटिक बॉन्ड या फिर पॉलीमर बॉन्ड बनाया है। इसका काम क्या है, मैं दूसरे जो वीडियो हमारा आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिटेल में बताऊंगा। आप इतना ही जानिए कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए, ये पूरा सेमी लिक्विड का प्रोडक्ट है। पूरा इससे पता चल रहा है ये सैंडल बेस में है, ये पॉलीमर बेस परफ्यूम है। मतलब आप जो ब्लैक अगरबत्ती या फिर फ्लोरा अगरबत्ती बनाएंगे, इसमें ये प्रीमिक्स में डायरेक्ट जाएगा, आपको परफ्यूम डालने का कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।